दिल्ली में फ्रेंड्स ऑफ फिलिस्तीन ऑफ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सैकड़ों स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स फिलिस्तीन में इसराइल के हमले की निंदा करते हुए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे ही थे कि दिल्ली पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों ने सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया। वहीं सभी प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। नई दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आर फाइटिंग हु आर फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग एंड व्हिच इज द प्लेस व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय द इजरायली सेटलर कॉलोनियलिस्ट। प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट हमास एंड कंडमनिंग हमास एंड रैशनलाइजिंग दिस जेनोसाइड बाय द इजरायल। डोंट डू दैट प्लीज। Actually, Hamas is the only fighter, only the resistance group in the Gaza. It's fighting for the people of Palestine. You talk to Palestine people, they will support. They are the only people there to support the Palestine, fighting for the Palestine. And whatever shown by the Hamas is, whatever the fight that Hamas put forward is because of the 75 years of occupation by the Israel. So you can't just rationalize this genocide by condemning the Hamas. The whole India is also, you can see how they are tying up with the Israel. So we have to move forward with the BDS, which is put forward by the Palestinians. हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।